हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम हेयर टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे यूपीपीएससी एंड नॉर्सेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले मैंने भी जैसे ही अपना नर्सिंग पास आउट करा था लास्ट ईयर, तो मैंने भी सोचा था कि कोचिंग लूँगी, क्वेश्चंस वगैरह करूँगी। तो पहले टाइम में मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था कि मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करूँगी। बट सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं वो आप रिपीट ना करें। तो मैं भी सबसे पहले क्वेश्चंस लेके बैठती थी कि नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करती हूँ, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आती थी कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी, क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा कि क्या पढ़ना है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। क्योंकि जैसे तो हमें पता है कि हम बी एस सी नर्सिंग वगैरह में, या आप जी एन एम या कोई भी नर्सिंग वाला कोर्स कर रहे हो, तो उसमें हम एग्ज़ाम से जस्ट एक या दो दिन पहले ही पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसे सेम नॉर्सेट में नहीं कर सकते, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए या तो आप कहीं से कोचिंग ले सकते हैं, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे कहीं पे, तो खुद के नोट्स बनाओ, बुक से पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग से क्लियर होगा, कोचिंग से हमें आइडिया हो जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे आपने कोई भी एक सब्जेक्ट उठाया पर्टिकुलरली, लाइक आपने पीडीएफ उठाई, ऑप्स उठाई, कोई भी एक सब्जेक्ट, पहले आप उसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़े, ठीक है। थ्योरी क्लियर होनी चाहिए आपकी कि थ्योरी में कौन से वर्ड का क्या मतलब है। एक बार आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई तो फर्स्ट स्टेप है थ्योरी कंप्लीट करना। सेकंड है, एक बार आपने एक सब्जेक्ट करा, उसके फिर क्वेश्चंस आपको लगाने। अब क्वेश्चंस लगाने के लिए आप ऐसे नहीं है कि तीन चार बुक्स ढूंढ रहे हैं कि पीआर से भी कर लूँ, टारगेट हाई से भी कर लूँ, एनक्लेक्स भी कर लूँ, मॉज भी कर लूँ। सारी बुक्स आप एक बार में नहीं कर सकते, और ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मैंने भी जैसे करा कि सबसे पहले मैंने एक बुक उठाई, कोई भी आप बुक उठा सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे आपके अकॉर्डिंग। तो आप पहले एक बुक के क्वेश्चन करने हैं आपको, एक बुक को, बट आपको एक बुक को एटलीस्ट टू टाइम तो मिनिमम सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। जैसे मैंने भी अपना फर्स्ट पी आर यादव उठाई, क्योंकि मेरे को थोड़ी ईजी लगती थी, कम्फर्टेबल लगती थी, बट पी आर यादव में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तो आप वो मिस्टेक्स को कब पकड़ पाओगे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, आपके बेसिक्स क्लियर हैं। तो जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं यार, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो आप कोई भी एक बुक उठाओ, उसको सॉल्व करो। एक बुक को आपने टू टाइम्स करना है एटलीस्ट मिनिमम। आपकी एक बुक हो गई, आपको लग रहा है कि यार इससे सारे क्वेश्चन निकल गए हैं मेरे, और या फिर इससे कोई क्वेश्चन कभी कोई मेरे से पूछे या कहीं आ जाए तो वो क्वेश्चन मैं गलत नहीं कर सकती, उसके बाद आप सेकंड बुक पे आओ टारगेट हाई, या फिर आप फर्स्ट बुक टारगेट हाई कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। सेकंड बुक आप टारगेट हाई पे आओ, उसके क्वेश्चंस निकालने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके क्वेश्चन कर लिए आपने, उसके बाद अगर फिर भी आपके पास टाइम बचता है, आपको लगता है नहीं थोड़ा और हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करने, तब आप एनक्लेक्स और मॉज़बी पे जाना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम लिमिटेड है, जैसे अभी नॉर्सेट आने वाला है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, एनक्लेक्स में अगर आपको एनक्लेक्स करनी है तो आप सिर्फ मेड सर्च का पार्ट सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बाकी सब्जेक्ट नहीं पे जा सकते, तो सिर्फ मेड सर्च को एनक्लेक्स सॉल्व कर लेना, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन में, ठीक है। कि प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन में हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, सेकेंड किसको देनी है, उसके लिए एनक्लेक्स इज बेस्ट, ठीक है। और नॉर्सेट का जो पैटर्न है वो हर साल चेंज होता रहता है, कभी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कुछ, तो कोई उनका पर्टिकुलर नहीं होता कि इस बार प्रायोरिटी वाइज देंगे, इस बार कैसे देंगे, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से 110% क्लियर होना चाहिए कि प्रायोरिटी वाइज आए वो भी नहीं छोड़ने, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आ जाए वो भी नहीं छोड़ने, कहीं और से पूछ ले वो भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सेकंड मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। क्वेश्चन के लिए पहले एक बुक पकड़नी है, एक बुक को अच्छे से सॉल्व करना है, उसके बाद आप सेकंड बुक पे जाइए, ठीक है। थर्ड में आपको एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए, और मैंने बताया कि एनक्लेक्स, सब बोलते हैं एनक्लेक्स सॉल्व करनी जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ मेड सर्च का पोर्शन भी सॉल्व करोगे तो वो इनफ है कि आप प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन में, आपको आइडिया हो जाएगा पेपर में कि कौन से प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन में कौन सा आंसर हो सकता है करेक्ट, ठीक है। 110% तो पेपर में बैठ के किसी को भी नहीं पता होता। उसके बाद एक बार ये सब आ गया और जस्ट पेपर अब जैसे पास आने वाला है, तो आपको ये है कि अपना एक मंथ बचाना है पेपर से जस्ट पहले, आपके पास एक मंथ या फिर एटलीस्ट 20 days होने चाहिए कि आपका रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए, क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे होने चाहिए। उसके बाद आपके पास जो लास्ट 1 month है या 20 days है, उसमें सिर्फ आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो फर्स्ट आपको रिवीजन करना ही है, जो आपको लगता है कि ये पॉइंट मेरा वीक है, या यहाँ के क्वेश्चन में बार बार कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, या मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, उसको आपको एक मॉर्निंग में उठते रिवीजन करनी है। 2 घंटे देने हैं, 2 घंटे में आपको रिवाइज करना है जो आपका वीक पॉइंट है बस। उसके बाद आपको
एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है लास्ट के 1 मंथ 2 मंथ, अगर आपको लगता है सिलेबस जल्दी हो गया तो आप जल्दी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट टेस्ट सीरीज से हुए। टेस्ट सीरीज से हमें आइडिया हो जाता है कि अगर हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर मुझे वो क्वेश्चन नहीं भी आता और मुझे एक अच्छा स्कोर करना है तो मैं उसमें से 4 ऑप्शन में से भी कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, ये आपको टेस्ट सीरीज से पता चल जाएगा। तो आपको एक टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करनी है लास्ट 1 मंथ आपका जब रहता है, और उसके बाद लास्ट जो 1 मंथ है उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर निकालने। ऐसे नहीं है कि आपने जब बुक सॉल्व कर रहे हो टारगेट है, क्योंकि उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे होते हैं, लेकिन जब आप जो मैथ पेपर सॉल्व करने के लिए बोल रहे हो उसमें आपको बैठना है प्रॉपर 3 आवर्स के लिए, 3 आवर्स का टाइम लगा के, अलार्म लगा के, टाइम लगा के, प्रॉपर स्टॉपवॉच से 3 आवर्स के अंदर आपको एक पेपर सॉल्व करना है। एक पेपर आपने सॉल्व करा, आपको ये देखना है कि आपकी मिस्टेक्स कितनी हुई हैं उसमें, उसको मिस्टेक्स को एक अलग से कॉपी बना लेनी है, ठीक है। तो आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है लास्ट 1 मंथ में, और एक हमेशा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। इससे आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने की कि जब एट लास्ट आप नॉर्सेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको बर्डन नहीं लगेगा यार 3 घंटे में कैसे होगा, क्योंकि आपने पहले इतनी बार सॉल्व कर चुका होगा तो वो भी आपके लिए एक नॉर्मल पेपर होगा, तो आप ना प्रेशर में होंगे ना कुछ, ठीक है। और आप पेपर को ईजिली एनालाइज कर पाओगे, ईजिली सॉल्व कर पाओगे। मैंने भी इसी तरह पेपर सॉल्व करा था, मेरी अच्छी रैंक आई है, मेरा UPSC में नॉर्सेट में फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल्सो, और आप अच्छे से पढ़िए। और आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है कोई सब्जेक्ट में या किसी क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट, और अगर आपको ये कुछ भी हेल्प आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।